Prime Minister Narendra Modi being welcomed by a loud cheer and President Donald Trump shaking hands, a warm hug. आज मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में जिसके साक्षी हम बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोनों नेता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जग जाहिर है। लेकिन जब सवाल ये हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत के लिए ट्रंप फायदेमंद होंगे या जो बाइडेन, तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों नेता भारत के बारे में क्या सोचते हैं। पहले ट्रंप की राय सुन लीजिए। Because India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. वैसे ट्रंप के ऐसे बयानों को गंभीरता से ना भी लिया जाए तो भी कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जो भारत से अमेरिका की दोस्ती वाले दावों से मैच नहीं करते। कुछ उदाहरणों से समझिए। ट्रंप सरकार ने भारत को दी जाने वाली जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा छीनने का फैसला लिया था, जिसके तहत भारत को अपने कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में टैक्स फ्री इम्पोर्ट की सुविधा मिली है। जून 2020 में ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होने वाला था जो अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं। इन उदाहरणों से भारत को लेकर ट्रंप सरकार की राय का पता तो चल ही जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बाइडेन भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं। Together, in our view, we can help each other achieve our core goals. भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर जो बाइडेन की जो राय है वो उन्होंने वर्ष 2013 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में रखी थी, जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और बराक ओबामा राष्ट्रपति। We admire the way you've melded ethnicities, faiths and tongues into a single proud nation. जो बाइडेन ही थे जिनके प्रयासों से भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट में पास करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 15 years ago I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. ट्रंप सरकार को तो भारत पिछले चार वर्षों में आजमा कर देख चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो भारत के मुद्दों पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन भारत में नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था। लेकिन नेता जो कहते हैं उस पर कितना कायम रहते हैं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में सबसे अहम है भारत चीन के बीच तनाव पर अमेरिका का स्टैंड। ट्रंप का स्टैंड तो सबको मालूम है, जो बाइडेन भी चीन और शी जिनपिंग के बारे में क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. यानी चीन के बारे में जो ट्रंप की राय है वैसी ही राय जो बाइडेन भी रखते हैं। यानी चीन के मोर्चे पर भारत को दोनों नेताओं से एक जैसा ही साथ मिलने वाला है। हालांकि H-1B पर पाबंदी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर जो बाइडेन की राय ट्रंप से ज्यादा उदार है, ऐसा जानकार भी मानते हैं। ये देखना है कि कहां कहां पर कन्वर्जेंसेस, कहां कहां पर हमारी जो हित हैं वो जो बाइडेन की सोच से मिलते जुलते हैं। अगर बाइडेन जीतते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए भू राजनीतिक जो कन्वर्जेंस जो हमारी रही है वो और बढ़े। सबसे बड़ा खतरा अभी हमारे लिए चीन ही है, और इसे अगर रोकना है, इसे पीछे धकेलना है, तो अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अहम है। तो अब ट्रंप वापसी करें या जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने, भारत की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत की है।